राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर सरकार द्वारा शुरू किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को चेतना तिराहे से तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर अरुण प्रकाश मल ने कहा कि समाज के मूल्यों और आदर्शों का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर शासन और राजनीति में सेवाभावी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो निज उत्थान की अपेक्षा लोक उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना रखें। इस मौके पर चेतना तिराहे से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो कचहरी चौक गणेश चौक होते हुए पुनः चेतना तिराहे पर पहुंचकर मां भारती की आरती करने के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्र वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, वंदन समिति और राष्ट्र वंदन समिति की तरफ से मैं शुभेंद्र सत्यदेव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मस्तक पर राष्ट्रवाद का चंदन करता हूं। सुख और दुख की घड़ियां आई और चली गई, लेकिन तिरंगा यात्रा के बारे में मैं आपसे कुछ बात। आशा और आकांक्षाओं का वह सारा रंग सन्निहित है, कर्तव्य भी है, और हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति अपने समाज से एक रुपए प्रतिभूति लिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है इंजीनियर अरुण प्रकाश मल, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षा, मैं आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में देखता हूँ। करता हूँ कि आपके माध्यम से जिस प्रकार का दृष्टिकोण, और जब देश का स्वाभिमान आता है तो हम सबको ध्यान में होगा कि हम सीमा पार करके आतंकी अड्डे भी ध्वस्त करते हैं, आतंकी ठिकानों को बम्बार्डिंग भी करते हैं और अभिनंदन को साथ वापस लेके भी आते हैं। उसी तरह से मूलभूत सुविधाओं को अगर हम ध्यान दें देश की, तो उसी प्रकार से विकास किया गया, चाहे हर घर को चूल्हा, हर गांव को बिजली, हर घर को इज्जत घर, सब कुछ उपलब्ध कराया गया। Yeah.
आज राष्ट्रबंधन समिति के तत्वाधान में अमृतोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, हम आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक जन जागरण के लिए, युवाओं के बीच ऊर्जा का संचार करने के लिए आज राष्ट्रबंधन समिति ने तिरंगा यात्रा एवं भारत माता की भव्य आरती करके यहाँ पर युवाओं के बीच में एक गौरव का उत्पादन करने का कार्य किया है। और इस क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे विजय भैया के नेतृत्व में भारत माता की भव्य आरती की, तिरंगा यात्रा निकाला और संदेश दिया कि भारत का नौजवान अगर अपने पर आ जाए तो भारत का पुनः अखंड मानचित्र पुनः स्थापित हो सकता है, जो कि 14 अगस्त को कहीं हमसे छूट गया था कि हमारे 2 टुकड़े हो गए थे भारत माँ के, तो हम पुनः उसको स्थापित करें, इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने इस बात को निकाला है।